तेजस्वी यादव को गाली देने वाले के स्वागत में टूट पड़े बीजेपी नेता पटना पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगा। हालत हो गई खराब। एक यूट्यूबर के सहारे नैया पार लगाने की जुगत में लगी पार्टी। तेजस्वी यादव ने दे दिया अल्टीमेटम, हद में रहने की दे डाली हिदायत। लालू परिवार पर हमला बोलते बोलते अफवाह फैलाने में जुटा था यूट्यूबर, बीजेपी का हो गया पर्दाफाश। एक एक किरदार आ गया सामने। बिहार का एक यूट्यूबर तो आपको याद ही होगा, मनीष कश्यप, जो अपनी वीडियो के जरिए लगातार तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद और रावड़ी देवी के बारे में अंटशंट बोला करता था। लेकिन बीजेपी नेताओं की तरह कभी भी तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन लगातार अपनी हदों को पार करते हुए जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले की झूठी खबरों को सामने रखा और तो और फर्जी लोगों को बिहार का मजदूर बताकर वीडियो के जरिए तेजस्वी यादव के खिलाफ अफवाह फैलाई, तो तमिलनाडु की पुलिस ने पहले ही फुर्सत में मनीष कश्यप के नट बोल्ट कस दिए। करीब 5 से 6 महीने तमिलनाडु की जेल में रहने वाला मनीष कश्यप जब वापस पटना लौटा तो फूट फूट कर रोने लगा। पटना वापसी पर मनीष कश्यप के लिए पहुंचे मुट्ठी भर लोग। इतनी बुरी हालत देखकर रोक नहीं पाए आंसू, बीच सड़क पर रोने लगा। मनीष कश्यप को पूरी उम्मीद थी कि वो वापस पटना जाएगा तो हीरो के तौर पर उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन हो गया उल्टा। जैसे ही मनीष कश्यप तमिलनाडु की जेल से छूटने के बाद पटना पहुंचा तो उसके नाम के नारे लगाने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। जो मुट्ठी भर लोग आए थे वो वही थे जिनके साथ मिलकर ये अपनी वीडियो बनाया करता था। जैसे ही इसे अपनी हकीकत का एहसास हुआ वही उसी जगह रोने लगा। असल में मनीष कश्यप की सबसे बड़ी गलती यही रही कि जिन लोगों पर भरोसा करके ये खुलेआम सोशल मीडिया पर गंदगी फैला रहा था वो सिर्फ खुद सत्ता में आने के लिए इसका इस्तेमाल करने में जुटे हुए थे। जैसे ही मनीष कश्यप जेल गया वैसे ही बीजेपी ने बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़ लिया, जिसकी चरण वंदना में पूरी की पूरी बीजेपी जुट गई थी। सांसद से लेकर विधायक मंत्री तक धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में लंब लेट कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव के दांव ने बीजेपी के उस खेल को भी खराब कर दिया। ऐसे में मनीष कश्यप को समझ में आ गया कि जिन लोगों के बहकावे में वो लालू परिवार की छवि खराब करने के लिए अफवाहें तक फैलाने के लिए तैयार था वो सिर्फ मौका परस्त थी। तभी तो जब तमिलनाडु की जेल से रिहा होकर पटना पहुंचा तो दूर दूर तक मनीष कश्यप का साथ देने वाला कोई नजर नहीं आया। जब मनीष कश्यप की एक एक वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि किसके इशारे पर ये यादव परिवार के बारे में गंदगी फैलाने में जुटा है। जिस वक्त मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी एक के बाद एक वीडियो भी सामने आए थे जिसमें वो हिंदू मुस्लिम करने में जुटा था। लेकिन जिस तरह की हालत मनीष कश्यप की पटना वापसी के बाद चेहरे पर दिखा साफ साफ बता रहा था कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। हालांकि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से लेकर उसकी रिहाई के बारे में एक भी शब्द तेजस्वी यादव ने नहीं बोला। तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले ने कभी भी मोदी योगी या उनकी कैबिनेट में शामिल रहे मंत्रियों के बारे में सवाल नहीं किया। उसका एजेंडा सिर्फ यादव परिवार को बदनाम करना है।